पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर है कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी दौरे पाकिस्तान से इनकार कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीमें पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली है। इंग्लैंड की मेंस और वेमेन क्रिकेट टीमों ने अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सिक्योरिटी इतलात पर टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। इंग्लैंड की मेंस टीम को 13-14 अक्टूबर को दो T20 मैचेस खेलना थे। खवातीन टीम ने भी दो T20 और तीन वनडे मैचेस पाकिस्तान में खेलना थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी तरजीह है। दौरा पाकिस्तान से मुतालिक हमारे खिलाड़ियों के खदशात थे। हमें इस फैसले के बायस PCB की मायूसी का अंदाज़ा है। PCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए बड़ी मेहनत की थी। आपको बताएं कि पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर, न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी दौरा पाकिस्तान से इनकार कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीमें पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली। इंग्लैंड के मेंस और वुमेन क्रिकेट टीमों ने अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सिक्योरिटी इतलात पर टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। इंग्लैंड की मेंस टीम को 14 और 13 अक्टूबर को दो T20 मैचेस खेलना थे, जबकि खवातीन टीम ने भी दो T20 और तीन वनडे मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आना था। ताहम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी तरजीह है। दौरे पाकिस्तान से मुतालिक हमारे खिलाड़ियों के खदशात थे। उन्होंने कहा कि हमें इस फैसले पर PCB की मायूसी का अंदाज़ा है, लेकिन इन हालात में अपनी टीम को नहीं भेज सकते। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने भी इंग्लैंड की जानिब से दौरा पाकिस्तान से इनकार के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया है। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि इंग्लैंड की जानिब से दौरे से वादे करने के बावजूद टूर से दस्तबरदार होना मायूस कुन है। टीम ने दौरा उस वक्त मंसूख किया जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कहते हैं इंशाल्लाह हम इन हालात से बाहर निकल आएंगे। रमीज़ राजा ने यह ट्वीट किया है, इसी बारे में बात करेंगे। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि पहले न्यूजीलैंड टीम तो वापस गई ही थी, लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है अपनी टीम को भेजने से माजरत कर ली है। सर आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर, और अगर इस तमाम तर सूरत हाल में आप चेयरमैन PCB होते तो क्या इकदाम उठाते? जी इंतहाई मायूस और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, लेकिन गैर मतवक बादल नहीं, क्योंकि जब न्यूजीलैंड ने यह हरकत की और उसकी कोई वजह देने से भी इनकार कर दिया, आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि ना अपना सिक्योरिटी अलर्ट आपको पब्लिकली शेयर करेंगे ना प्राइवेटली शेयर करेंगे, तो भाई इतना बड़ा आपने कदम उठाया ऐसा ही है जैसे किसी के घर में आके उसको बुरा भला कह के गाली दे के कुछ चला जाए और उसकी वजह भी ना बताए। तो उसके बाद ही फिर इंग्लैंड की तरफ से खबर आ गई थी कि वो अगले 24 से 48 घंटे में फैसला करेंगे, और बिल्कुल नज़र आ रहा था जैसे नविश्ता दीवार होता है कि इंग्लैंड भी यही हरकत करेगा, और वही हरकत हो गई। और इसी तरह आप देखेंगे कि फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आ जाएगा कि जी हम इस वजह से नहीं खेल सकते। तो जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ा सख्त मौकफ इस पर इख्तियार करने की ज़रूरत है न्यूजीलैंड के साथ कि आप हमें बताएं जी कौन सी वजह है, वरना ये तो नहीं है। चाहे आप सियासी सतह पे कोशिश करें, चाहे सफाती सतह पे कोशिश करें, चाहे कानूनी तौर पे कोशिश करें कि आखिर हमें उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है, एक चार्ज लगाया है कि हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक नहीं थे इसलिए वो जा रहे हैं। तो हमें उसे मालूम करना है, उनको जवाब देना है। अगर वो बिल्कुल जवाब देने से इनकार करते हैं या जवाब ना दे सकें तो फिर उसके बाद हमें मजबूत लेके क्या किया जाए, क्योंकि ये तो सिलसिला जो है ये इसी तरह बढ़ेगा, ऑस्ट्रेलिया भी करेगा, हमें इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए ये इंतहाई बुरी खबर है कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी दौरे पाकिस्तान से इनकार कर दिया है। इसी बारे में बात करेंगे। साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब आपके वक्त का। न्यूजीलैंड की टीम तो ऐन वक्त पर वापस चली गई थी, इंग्लैंड ने अपनी टीम भेजने से ही इनकार कर दिया है। सर क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर, और बल्कि मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपके पास इख्तियार होते तो इस सूरत हाल में आप क्या इकदाम उठाते? जी बिल्कुल, देखिए अगर मेरे पास इख्तियार होते तो मैं सबसे पहले काम तो ये करता कि मैं न्यूजीलैंड को कहता कि आप इस तरह सडली आप नहीं जा सकते, बिकॉज इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट की और पाकिस्तान की सबसे बड़ की बहुत एक एम्बेरसमेंट की सिचुएशन होगी। आप होटल जाएं, आज आप मैच ना खेलें, और ठीक है आप रेस्ट करें, आज तो मैच हम कॉल ऑफ कर देते हैं, हमें टाइम दें कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारे पोस्ट सिक्योरिटी फोर्सेज वो सारा चेक करते हैं कि वो जो आपको मिली है, जो थ्रेट मिला है उसको हम चेक करके कंफर्म करते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक है कि नहीं है,
और होटल में हम आपको जबरदस्त सिक्योरिटी है, मैच कॉल ऑफ करते हैं और आप होटल में रहिए और हम डबल कर देते हैं वहाँ सिक्योरिटी। लेकिन इस तरह आप एक्स्ट्रा जाएंगे तो बहुत हमारी आपस में हमारी क्रिकेट और हमारी पाकिस्तान की इज्जत तो बहुत ठेस पहुंचेगी इस तरह। और मैं उसके बाद सीधा अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फोन करता कि जी ये सिचुएशन बन गई है, या तो आप उनके प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड से बात कीजिए कि भाई ये सिचुएशन है, इस तरह एक ईमेल इन पे आपको थ्रेट मिल गई है, आपने टूर कैंसिल कर दिया खड़े खड़े, ऐसे तो नहीं होगा। बिकॉज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की क्रिकेट की बड़ी ताकतों में से एक है, दुनिया की बेहतरीन टीमों में से, और क्रिकेट नेशन के हिसाब से ये बहुत वो होगा। और अगर वो कहते कि मैं कहता कि नहीं, मैं अगर आप चाहें तो मैं बात करके आपको इन्फॉर्म करूँ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोलते कि ठीक है मैं बात करूँ, तो मैं ऑनेस्टली उनके प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहता कि जी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक दिन हमें और दीजिए, हम बिल्कुल आपकी टीम की सिक्योरिटी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, कोई तकलीफ नहीं जबरदस्ती देंगे, लेकिन हम इस बात को कंफर्म करें बिकॉज इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी बहुत डैमेज होती है कि इस पर आप टूर छोड़ के चले गए। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, आप किसी के उससे पहले आप प्रैक्टिस पे आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल, हंसी खुशी सारी बात हो रही है, सिक्योरिटी जबरदस्त आपको दी। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मैं आपको बता दूं, वो श्रीलंका के मुसैब के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारीफ से कहूँ अपने इदारों को, अपने फौज को, अपने रेंजर्स, अपनी पुलिस, जिस कमाल की सिक्योरिटी पाकिस्तान देता है, देश जाके बाहर से बोलते हैं कि इस तरह की सिक्योरिटी बाहर नहीं मिलती। तो मैं इसको इस तरह ले जाता मैटर को, मैं प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात करके कि आज तरह ना बुलाएं, हमें एक दिन दें, हम आज का मैच कॉल ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल हम कॉल ऑफ कर रहे हैं, लेकिन आप होटल को टीम में बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, डबल हम सिक्योरिटी देते हैं, इस तरह जाने में आप चले जाइए, एक दिन हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसे, और फिर ये करके फिर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को बताता कि उनसे जो मेरी बात हुई होती। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम माजरत चाहते हैं तो ओके फाइन, हम जबरदस्ती किसी को नहीं रोकेंगे, लेकिन इस तरह जाना, मैं आपको सही बात बताऊं, पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंची है और तकलीफ पहुंची है कि ये इस तरह को थोड़ी कोई होता है। छोटी टीमों के साथ भी, छोटे नेशन के साथ भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो मैं तो इस तरह से काम करता कि ऐसे कोई जाके जो खेल बच्चों का खेल नहीं हो रहा है कि आप आए और आपने आके कि जी हमें थ्रेट महसूस हुई है हम जा रहे हैं, अरे हमारी सिक्योरिटी को पता तो चले, हमारी इंटेलिजेंस को पता तो चले कि थ्रेट क्या है, उसको इन्वेस्टिगेट करते, एक सेकंड आपको हम नहीं रोकेंगे ऊपर तक ये बात क्लियर हो कि एक प्रॉपर तरीके से काम करें, कि कोई बच्चों का खेल थोड़ी हो रहा है गली में कि आप आए और आपने कह दिया जी हम नहीं खेल रहे हम जा रहे हैं। यकीनन जेंटलमैन गेम है तो जेंटलमैन स्पिरिट का मुजाहरा भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर दाखला शेख रशीद का कहना है कि न्यूजीलैंड में इतनी फोर्स नहीं जितनी उनकी टीम को सिक्योरिटी दी गई, मायूसी गुनाह है, न्यूजीलैंड नहीं तो कल कोई दूसरी टीम आएगी। जिस ईमेल का हवाला दिया गया साबित हो गया वो दौरा मनसूख होने के बाद मौसूल हुई। न्यूजीलैंड की टीम का इल्ज़ाम हमारे पे अपोजिशन और दूसरे लोग दे रहे हैं, शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं। बराए मेहरबानी, फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने न्यूजीलैंड की टीम को आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और ये हमारा फर्ज था और हमने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की। यहाँ श्रीलंका की टीम आई या और टीमें आई, कोई मसला नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने जाने का फैसला किया। तो अब कौम को अफसोस जरूर है, दुख जरूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मायूसी कुफर है, एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। और जो प्रोपोगंडा कर रहा है खास तौर पर इंडिया ने पिछले एक महीने से, क्योंकि जो अफगानिस्तान में उसकी सुबकी हुई है और जो उसकी मायूसी हुई है उसको, और उसका सारा मास्टर प्लान नाकाम हुआ है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर 168.72 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर की बढ़ती कीमत के बाद स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात नजर आए। 100 इंडेक्स 107 पॉइंट्स की कमी से 46,528 पर आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही सरमायाकार मोहतात अंदाज में हसिस की फरोख करते दिखाई दिए। मार्केट में दिन भर मनफी रुझान रहा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 107 पॉइंट्स की कमी से 46,528 की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर सरमायाकार भी शशोपंच का शिकार दिखाई दिए। जफर मोतीवाला का कहना था कि बैरूनी ममालिक की जानिब से मुल्क में सिक्योरिटी अलर्ट की खबरों ने सरमायाकार मोहतात अंदाज अपनाए हुए हैं। देखिए लास्ट वीक भी हमारा अच्छा नहीं गया था और सेलिंग प्रेशर बहुत था। डॉलर रुपये की पैरिटी में आपको पता है 170 ऑल टाइम हाई गुजरा,
और दूसरा 5 एजेंसियों के साथ मिलकर ये थ्रेट देना, तो इसका मतलब इस्लामाबाद रिस्क में है और वो इन्वेस्टर्स के बैक ऑफ द माइंड आज भी मार्केट शुरू होते ही नजर आ रहा है। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे इजाफे के साथ एक बार फिर ऊपर जाता दिखाई दिया। इस दौरान डॉलर 168.18 रुपए से बढ़कर 168.72 रुपए पर बंद हुआ। हम देख रहे हैं कि रुपी जो है संभल नहीं रहा। आज भी जो इंटरबैंक मार्केट में रुपी का जो आगाज हुआ है 168.50 पे आ गया दोबारा से। तो उसके बाद जैसा इन्फ्लेशन बढ़ी है पिछले 2 हफ्तों में ऑयल प्राइसेस बढ़ाने के बाद, तो लग रहा ये है कि आज खदशात हैं इन्वेस्टर्स को कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें इंटरेस्ट रेट को 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा सकता है। द स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 4.79 अरब मालियत के 75 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। और मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम के इजरा की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं कि 5 दिन में मसाइल हल ना हुए तो मिल्स बंद कर देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब के डर की वजह से फैसले नहीं हो रहे, फाइल घूमती रहती है जिससे फ्लोर मिल मालिकान को नुकसान भी हो रहा है। इन तमाम तर इकदाम के बावजूद मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम के इजरा की पॉलिसी को भी मुस्तरद कर दिया है। वजीर रेलवे दोबारा ट्रैक से उतर गए। आजम सवाती ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की ट्रेन चढ़ा दी। आईनी इदारे को डटकर मुकाबला करने का चैलेंज भी कर दिया। सिकंदर सुल्तान को मुखातिब करके बोले, आपकी तायुनाती से मुतालिक बहुत सी बातें सीगा राज हैं, इसी बारे में भी हम बात करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखला। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। न्यूजीलैंड की टीम तो वापस गई ही थी, अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी टीम भेजने से इनकार कर दिया है और वो भी सिक्योरिटी के हवाले से अपने खदशात जाहिर कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, आप खुद इसी पाकिस्तान के जिम्मेदार आदमी हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या है? आज रूस में 8 बंदे यूनिवर्सिटी में मारे हैं, 30 जख्मी हुए हैं, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। और क्रिकेट की टीम को हमने टॉप प्रायोरिटी न्यूजीलैंड हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी दी है। काबीना ने पाक फौज को कहा कि वो उसकी सिक्योरिटी करे और इतनी फौज इनके पास न्यूजीलैंड की नहीं होगी जितनी हमने उसकी सिक्योरिटी पे लगाई हुई थी। अगर उन्होंने जाना ही ठहर गया था तो आगे क्या जाते, आ गए थे। हमने उनको कहा कि मैदान के तमालिया शाहियों के बगैर खेले, वो फिर नहीं खेले। बाकी जब न्यूजीलैंड चला गया था तो फिर इस पर तो बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में नहीं आना। शेख साहब, वजूहात भी न्यूजीलैंड की जानिब से नहीं बताई गई थी और अभी अगर इंग्लैंड की बात करें तो उन्होंने भी सिर्फ एक सरसरी सी सिक्योरिटी की बात की है। सर, आपको लगता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? देखिए मेरे भाई, हमारे पंजाबी में घरों में कहते हैं ना, किसी पे वैसे इल्जाम लगाना उसको कहते हैं आटा गूंथते हिलती क्यों है। ये ऐसे ही चा चा टा टा फिश होने वाली बातें हैं। हमारी दुनिया की अजीम तरीन एजेंसी है, अगर उन्होंने क्लियर किया हुआ था, उनके लोग आके क्लियर होके गए थे, तो कोई क्यामत नहीं आ रही। इंग्लैंड की टीम नहीं आ रही, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं आ रहे, एक दिन पाकिस्तान में क्रिकेट और तरक्की करेगा, एक दो दिन आएगा कि ये चाहेंगे कि हम पाकिस्तान आए। ये थोड़े से दिन और हालात हैं, 4-5-6 महीने पाकिस्तान दुनिया में एक अहम रोल प्ले कर रहा है, उसके दबाव में ये आए हुए हैं। क्रिकेट का दबाव, कितना दबाव होगा जी? क्या हो गया, किसी ने दोपहर की रोटी नहीं खाई, न्यूजीलैंड वापस चला गया, लंदन नहीं आ रहा तो कल कोई ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। हम शायकीन हैं, हम फैन हैं क्रिकेट के, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायूसी के गड़े में गिर गए हैं और कोई ज़हनी दबाव में आ गए हैं। और मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कौम अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। ये हल्की फुल्की मौसीकी लगी रहती है दुनिया सियासत में, लेकिन पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, दुनिया के 22 करोड़ की सबसे ज़्यादा नौजवानों की और अजीम इस्लामी फौज और एटॉमिक फोर्स का मुल्क है। मैं कोई बाईपास नहीं कर सकता इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक क्रिकेटर जावेद मियादाद साहब। बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद साहब आपके वक्त का। सर, जितना अफसोस किया जाए कम है कि अब इंग्लैंड की टीम ने भी अब पाकिस्तान आने से इनकार किया है और बात वही है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, हालांकि जो सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद थी इस हवाले से कोई बात भी नहीं की जा सकती थी। सर, आप इस तमाम तर मामले पर क्या कहेंगे और क्या समझते हैं मजीद इकदाम अब क्या उठाए जाने चाहिए? नहीं, टू बी फ्रैंक, मुझे तो कोई अफसोस नहीं। मुझे पता था कि ये चीजें जो है ना ये होंगी, क्योंकि जब ये अभी ये 2-3 दिन से ये चीजें जो चल रही थी, आई न्यू कि ये
ये रिफ्यूज करेंगे खेलने के लिए, क्योंकि इनके माइंड सेट है, ये पहले तो आने ही नहीं चाहते थे ना यहाँ पाकिस्तान में आके क्रिकेट किस तरह खेलते हैं, नेक टू नेक खेलते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट वन डे क्रिकेट एंड वॉन्ट डो वॉन्ट टू स्टे एंड प्ले थ्री डे मैच फोर डे मैच, जबकि हम इंग्लैंड जाएंगे तो कम से कम 5 महीने या 4 महीने सारी काउंटी से मैच खेलते हैं, इसी तरीके ऑस्ट्रेलिया जाते हैं सारे उनके स्टेट से मैचेस होते हैं फिर टेस्ट क्रिकेट होती है, न्यूजीलैंड जाते हैं वहाँ भी यही चीज होती है, मगर ये जब भी आप पास उठा लेंगे ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड ये सारी टीमें आएंगी, ये आती है जस्ट कम और एक फुलफिल करके ना जाना चाहते हैं, ये क्रिकेट को उस तरीके से नहीं, और इनको अब मौका मिल गया और इनके पीछे जो है वो गेम प्ले के लिए कर रही है, और वो है आपको पता है इंडिया, इंडिया को सबसे ज्यादा आग लगती है जब पाकिस्तान में अच्छी चीज हो रही हो, क्रिकेट हो रही हो, वो हर चीज में तो हमसे मार खा रहे हैं, तो उनको अब ये मौका मिला तो उन्होंने ना ये पीछे से ये चक्कर चलाया, क्योंकि हमारे ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन जो थी वो ये तो इतने भिखारी बन गए ना इंडिया को तो इस तरीके से कि वो तो पैसे से तोलते हैं इन लोगों को, हालांकि वो पैसा इस तरीके से नहीं, 100 करोड़ की आबादी अगर वो 50 करोड़ भी दे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट लाइक इंग्लैंड बिकॉज दे कांट अफोर्ड, पाकिस्तान का वो एक अलग अलग कंट्री के हिसाब से है, तो ये सब के सब जो है ना एक तरीके से बस ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से हमारे पार्ट में, क्योंकि दोनों के हमारी क्रिकेट अच्छी है, हमारे हम क्रिकेट लवर्स है हमारे पास यहाँ पर, यानी कि खेलने वाले वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर्स हमारे पास है, आप देखें इंस्टीट्यूट का माजिद खान, जहीद अब्बास, इमरान खान, यानी डे बाय डे हमने इन्हें प्रोड्यूस किया और इनके ऊपर चढ़ के खेले सबके सब, तो इनको मौका चाहिए था और इनको मौका मिल गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने वजीर आजम को मिलने वाले तहफ की तफसीलात ना बताने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। शेरी रहमान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस चल रहे हैं, ये एक नहीं दो पाकिस्तान हैं। पीटीआई जवाबदही और शफाफियत से क्यों डर रही है? शेरी रहमान ने कहा कि दूसरों की बारी पर ये इनकलाबी बन जाते हैं, नया पाकिस्तान बनाने वाले अब एहतसाब से इतना खौफजदा क्यों हैं? करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। सुबह 10 बजे दुआया तकरीब के साथ मजहबी रसूमात का आगाज किया गया। तकरीबात में 30,000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की यात्रियों की शिरकत मुतवक्के है। इसी बारे में नारोवाल से यासिर अरफात की रिपोर्ट देखते हैं। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात दरबार साहब करतारपुर में शुरू हो गई। दरबार को बरके कुमकुमों और खुशनुमा गुलदस्तों से सजाया गया है। सुबह 10 बजे दुआया तकरीब के बाद निशान साहब और चोला साहब की सेवा तकरीब हुई। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने बाबा गुरु नानक से मंसूब मकामात और अशिया की जियारत की। मेंबर गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी इंद्रजीत सिंह के मुताबिक नगर कीर्तन जुलूस के लिए खुसूसी सहूलतों से आरास्ता बस करतारपुर पहुंच गई है। कल नगर कीर्तन का जुलूस 5 प्यारों की सरबराही में 0 लाइन तक जाएगा और भारतीय संगतों को शमूलियत की दावत दी जाएगी। भारत ने हमेशा 1947 से लेकर आज तक हठधर्मी का मुजाहरा किया है और आज फिर उन्होंने हठधर्मी का मुजाहरा कर दिया है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इतना ही उनसे दरख्वास्त करेंगे कि कल इस खूबसूरत मौका के ऊपर 5 लांगा खोल दिया जाए ताकि भारत में बसने वाले जो सिख यात्री हैं वो यहाँ पे आ सकें और आके नतमस्तक हो। करतारपुर पहुँचने वाले यात्रियों के लिए कयामो तुआम के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। नाश्ते में यात्रियों की चने रोटी, ब्रेड समोसा और चाय से तवाजो की गई, जबकि बाबा गुरु नानक की जाती अराजी से हासिल करदा गेहूं और इजनास से लंगर तैयार किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ यासिर अराफात, नारोवाल।